हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोला और पूड़ी। आज है ईद और मुझे बनाने थे छोले, तो रात में ही मैंने चने को भीगने के लिए रख दिया था। कि जी यहाँ पे मैंने चना ले लिया है। अब कुकर लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे और गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम जीरा और मेथी का तड़का। कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, ये सब डाल के अच्छे से चलाएंगे। ये सब चटक जाए तो इसमें डालेंगे हम प्याज। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, कुटी हुई अदरक, प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें डालेंगे हम टमाटर। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि सब चीज़ टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट 2 चम्मच। इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। इसमें एक डालेंगे गरम मसाला, भुना हुआ धनिया पाउडर खुशबू के लिए, सभी मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये जले नहीं इसमें, इसलिए डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर प्याज सभी गल चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू को 2 मिनट तक पकाएंगे इसमें डालकर और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम भीगे हुए चने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेवी, तो जितना छना है उसका 3 गुना पानी लेंगे तभी हमें ग्रेवी मिलेगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा,
अपने हिसाब से इसमें डालेंगे नमक, इसे मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन। अब इसमें हम वेट करेंगे सीटी आने का। जब तक 4 सीटी होने लग जाए तब तक इसे उतारना नहीं है। 4 सीटी में बिल्कुल पक्के तैयार हो जाएंगे। धनिया डालेंगे, इसे मिक्स करके रख लेंगे। इधर पूड़ी भी बिल के तैयार है, तो पूड़ी को इधर छान लेंगे। सभी पूड़ी बिल के तैयार, तो ये पूड़ी छान के छानेंगे। एकदम फूली फूली पूड़ी तैयार है। हमने सर्व कर दिया है छोला और पूड़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंजॉय।